नमस्कार राधे राधे सभी अविश्वास के व्यूअर्स को, मैं शिवानी एक बार फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो यह है एक साड़ी का वीडियो जो मैंने अभी मंगाया है आज ही, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर दिया जाए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो ये एक ग्रे कलर की फ्लावर प्रिंट की सीक्वेंस वर्क साड़ी है जो मैंने मंगाई है, जिसके साथ रेडी स्टिच जो ब्लाउज़ है, यानी कि स्टिच ही है एक्चुअली, बट उसको थोड़ा मोड़ा ऑल्टर करना है। तो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ वीडियो, और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो सही लगी सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देगी, बहुत ज़्यादा लाइट लुक नहीं देगी, थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड लुक देगी। तो ये एक पिंक कलर का ब्लाउज़ है, हालांकि जब मैंने पिक्चर में देखा था तो ये थोड़ा गाजरी से कलर में कुछ कुछ था, लेकिन जब आया है तो बिल्कुल बेबी पिंक है। तो ये जो है इसका बस सब चीज़ ठीक है ब्लाउज़ की, बस लेंथ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेंथ के ब्लाउज़ नहीं पहनती, और जो नेक है वो काफ़ी ब्रॉड है, डीप तो सही है। और इसके साथ स्लिप्स भी दिए हैं कि अगर चाहो तो लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगाना, तो इसका ब्रॉडनेस मुझे कम करना होगा। यहाँ पर मुझे हुक लगाना होगा, क्योंकि हुक नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्टिचिंग करके दिया हुआ है, यानी कि स्टिच करके दिया हुआ है रफली, कि हम खुद से इसमें जिस टाइप के हुक लगाना चाहते हैं हम लगा लें, या बटन लगाना चाहते हैं, जैसे भी, सबका अपना अपना लुक और चॉइस होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ओपन कर दी है साड़ी, जो कि ग्रे कलर में है, और इस पर बड़ा अच्छा सा जो है फ्लावर प्रिंट है, उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क है पूरी साड़ी में, पूरी साड़ी सेम बेस की है, ऐसा नहीं है कि पल्लू अलग है या हाफ में वर्क है, पूरी साड़ी आपको जो है ये सेम वर्क में ही मिलेगी। लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है वो ट्रांसपेरेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग के बाद में शाइन कर रहे हैं। तो अगर पार्टी वगैरह में पहन के जाना है आपने तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर ये इसी ऐसे रो में पूरे में लगे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर सा लुक दे रहा है, बहुत ओवर नहीं है, सिंपल लुक में अच्छा है। क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह की साड़ी ऐसा है कि मैंने काफ़ी सारी पहन ली है, मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ अलग अलग लुक में चीज़ें लेके आऊँ, अगर मैंने एक लुक में कुछ ख़रीद लिया है तो दूसरे चीज़ जो मैं लूँ उसे हटके लुक में ही लूँ। तो यहाँ पर जो पूरी साड़ी सेम है, बस जो आप जहाँ से रैप करना स्टार्ट करते हैं वो एरिया जो 1 मीटर का है वहाँ पर सिक्वेंस नहीं है, बाकी ऑल ओवर मिला के बहुत अच्छी है साड़ी। और इसी के साथ मैंने पहनने के लिए लिया है ये एक चोकर, अभी आप देख रहे हैं इसमें जो डोरी है वो नहीं है, क्योंकि डोरी जो है मेरे से पहनते में थोड़ा सा उसका धागा खुल गया और वो ख़राब हो गई, तो मैं इसमें दूसरी डोरी लगा दूंगी। और जो ये आप गोल्डन कलर देख रहे हैं ये एक्चुअली गोल्डन नहीं है, यहाँ पिंकिश कॉपर सा कलर है जो कि साड़ी से काफ़ी मेल खा रहा है, और आप देख रहे हैं अच्छे से फोल्ड भी हो जा रहा है, अगर मुझे ऐसे ही फोल्ड करके लेके जाना है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, चोकर टूटने का डर रहता है। मेरे पास काफ़ी सारे चोकर हैं, कोई 3 लेयर में है, कोई 2 लेयर में है, कोई सिंगल लेयर में है, तो इस तरीके से, लेकिन ये 5 लेयर्स में है, एक ब्रॉच इसका सेंटर में है, बाकी 2 साइड में और 2 उसके भी साइड में, उसके साथ एक मांग टीका है, और इयर रिंग तो आपको बताइए सभी को कि 2 ही होते हैं, तो यानी कि एक पेयर इयर रिंग का इसके साथ में है। और ये रूम जो नॉर्मल लाइट है मैं आपको उसमें दिखा रही हूँ, आप सभी को पता है कि अगर हम नॉर्मल से ज्वेलरी भी डालते हैं कहीं शादी या पार्टी में, वहाँ पर जो हैलोजन वगैरह लगी होती हैं उनकी वजह से जो लाइटिंग होती है वो काफ़ी हाई होती है, और अगर हम थोड़ा सा भी शाइन वाला पहनते हैं कुछ तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो इसमें बहुत अच्छी शाइन है, पहनने के बाद पता चल रहा है, और दूर से तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। मैंने थोड़ा सा रफली ऐसे लुक ट्राई किया था तो अच्छा लग रहा था, बाकी रेडी होने के बाद ही एग्जैक्ट जो क्वालिटी पता लगती है हर चीज़ की, और तभी चीज़ का पता लगता है कि एग्जैक्ट वो क्या लुक दे रही है। बाकी मुझे अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, सही सही रेट में मुझे मिला है। और इसी के साथ मैंने एक पतला लेयर का जो है नेकलेस एक और लिया है मेरी बेटी के लिए, वैसे तो वो पहनती नहीं है लेकिन मैंने ले लिया, अगर वो नहीं भी पहनेगी तो वो मेरे भी काम आ जाएगा, अगर मैं कोई बिल्कुल लाइट लुक करना चाहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह हैवी लुक करके जाना अच्छा नहीं लगता, कभी लाइट रहना चाहिए, आपका लुक कभी हैवी होना चाहिए, हमेशा एक लुक ही रहेगा तो उसमें कुछ एक स्पेशलिटी नहीं रह जाती है किसी भी लुक को लेकर के। तो ये भी 4 लेयर का है,
तो ऑल ओवर मिला के मुझे तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, और कोई क्वारीज हैं तो भी मुझे बताइए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।